नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की। तो यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। एनडीए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव काफी अहम है। एनडीए के सामने अपनी 5 सीटों को बचाने की चुनौती है। वहीं 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। मिल्कीपुर, करहल, सीसमहल सीट पर उपचुनाव होना है। कुंदर की, गाजियाबाद, फूलपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। इसमें मजबा और कठेरी, खैर और मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है। तो ये वो 10 विधानसभा सीटें जिनमें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही और नतीजे आने के साथ ही यूपी की 10 विधानसभा सीटें खाली हो गई है। इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। एनडीए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए के सामने इन 10 में से 5 सीटों पर अपनी पहले से एनडीए के कब्जे में थी। इन 5 सीटों पर एनडीए के सामने अपनी 5 सीटें बचाने की चुनौती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही, नतीजे आते ही यूपी की अब जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उस पर सभी की निगाहें, ऐसे में एनडीए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तीनों ही पार्टियों में जो हलचल है वो पूरी तरह से तेज हो गई है। देखिए रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उसके हाथ निराशा लगी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से ही बहुमत नहीं जुटा पाई, जिसके लिए वो जो है केंद्र में अकेले दम पर सरकार बनाने में जो है अक्षम। जी तो यूपी में चुनाव के बीच हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको देखते हुए हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव पर टिकी हुई है। इसी दौरान हलचल तेज है, चाहे वो एनडीए हो, सपा हो या कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दलों में हलचल पूरी तरह से तेज। उपचुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। एनडीए के सामने अपनी 5 सीटों को बचाने की चुनौती है। कृष्णा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णा, जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव में देखा एनडीए के हाथ निराशा लगी, निराशाजनक प्रदर्शन रहा, जिसके बाद समीक्षा बैठकें की गई, फिर से संगठन में एक तरह से आखिर हार के कारण क्या रहे उस पर मंथन किया गया, लेकिन अब सभी की निगाहें इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उन पर टिकी हुई। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो है उत्तर प्रदेश में निराशा उसके हाथ लगी है, वहीं पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 विधानसभा सीटों में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। एक सीट ऐसी है जो सीसामऊ से विधायक हैं इरफान सोलंकी। इरफान सोलंकी को हाल ही में आगजनी मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है, उनको 7 साल की सजा हुई है। तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी की भी विधानसभा सीट खाली होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो वहीं पर जो करहल विधानसभा सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक हैं, तो वहीं पर अवधेश प्रसाद हैं जो मिल्कीपुर से विधायक हैं। तो लगातार जो तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विधानसभा से जीत कर और विधानसभा पहुंचे थे, तो उन सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी अपने ऐसे उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेगी जिनको उपचुनाव में विजयी बना सके। तो वहीं पर जो कांग्रेस है, जो समाजवादी पार्टी है, वो लगातार पीडीए के फार्मूले के तहत उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो है जनता के बीच में जाएगी। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जनता का प्यार उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला है, उसी तरीके से 9 विधानसभा सीटें हैं उन पर भी जो है जनता का आशीर्वाद मिलेगा और 9 की 9 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। जी रिया, बिल्कुल कृष्णा, जिस तरह से सभी की निगाहें अब ये
होने वाले उपचुनाव पर अगर बात करें, एनडीए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों में ही हलचल तेज है, क्योंकि एनडीए के आगे जो 5 विधानसभा सीटें उनके खाते में थी उनको बरकरार रखने की, फिर से उनमें जीत दर्ज कराने की चुनौती है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में नजर आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन जो है काफी बेहतरीन देखने को मिला। जिस तरह से आपने भी कहा, कई सारी हॉट सीटें यहां पर हैं, चाहे वो मिल्कीपुर की सीट हो, करहल की सीट हो, जहां से अखिलेश यादव विधायक थे। क्या माना जाए, अब क्या प्रत्याशियों का और प्रत्याशी चुनने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, और रणनीति बनाने का सिलसिला? अगर इन 10 सीटों पर समीकरण समझे तो किस तरह से समीकरण बनते हुए कृष्णा आप देख पा रहे हैं? देखिए, अगर करहल विधानसभा सीट की बात करें रैया, तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनके भतीजे हैं तेज प्रताप यादव। कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाया जाएगा, तो वहीं पर जो पीडीए के तहत जो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से जी बिल्कुल कृष्णा, यानी 10 की 10 विधानसभा सीटों पर यूपी में सभी की निगाहें कि आखिर किस तरह से क्या कुछ समीकरण यहां पर बनते हैं और कौन जीत यहां पर दर्ज कराता है, और जो भी यहां पर जीत दर्ज कराएगा इन 10 सीटों पर वो ही एक बड़ा संदेश उसके द्वारा दिए जाने की कोशिश। कृष्णा बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं राजस्थान के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कर दिया है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वो काम करते रहेंगे। किरोड़ी ने कहा कि मैं राजस्थान का मंत्री हूं, प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, इस स्थान से प्रेरणा प्राप्त करके मैं राजस्थान को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं तो ये मानकर ही चलता हूं कि राजनीति अब सेवा का नहीं उद्योग का जरिया बन गई है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, हमारे कृषि विभाग में इतनी योजनाएं हैं जिनमें सब्सिडी है, बीज निगम भी मेरे पास है, लेकिन हर मामले में घोटाला है। मैं जिस फाइल का को निकालता हूं वही घोटाला दिखता है। 3 अफसर तो ऐसे थे जिन्होंने 20 साल से बीज निगम में जगह नहीं छोड़ी, 3 राज बदल गए, मैंने उनको हटा दिया तो भूचाल आ गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद अफवाह उड़ी थी कि मीणा इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए कुलदीप सैनी संवाददाता हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरह से कैबिनेट मंत्री की तरफ से ये कहा गया था साफ तौर पर, और अंदेशा यही लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद किरोड़ी लाल मीणा जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन हालांकि अब उन्होंने साफ कर दिया है कि मंत्री पद अपने पास रखेंगे, किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, राजस्थान में जब लोकसभा चुनाव हुए तब किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री है उन्हें ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सौंपी गई थी। 7 लोकसभा सीटें थी जिनकी जिम्मेदारी मीणा के हाथ में थी, और इस पर खुले मंच पर किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कहा था कि अगर ये सीटें भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उसे जैसे ही परिणाम आए, और परिणामों के साथ जो सबसे ज्यादा हॉट सीट थी दौसा, उस लोकसभा सीट पर हार के बाद ये कहा गया कि किरोड़ी लाल मीणा अब इस्तीफा देने को अपने आप पेशकश करेंगे। लेकिन जहां हमने देखा कि जैसे ही चुनाव हारे, कांग्रेस की ओर से लगातार अब उसके इस्तीफे को लेकर मांग की जा रही थी कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे, लेकिन उसके बाद पीछे पर वार पलटवार चलता रहा। उन्होंने भी रामचरितमानस की पंक्ति लिखी, प्राण जाए प्रवचन न जाए, तो ये तमाम चीजें चलती रही। और खुद सीपी जोशी से जब मीडिया ने बातचीत की, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, कि किरोड़ी लाल मीणा के बयान के बाद क्या जो संगठन है, पार्टी है, उसे किस तरीके से देखती है, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मामला है, उन्हें बैठकर समझाया जाएगा। और वैसे ही कल जो कार्यक्रम रहा, कार्यक्रम उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया जिस तरीके की उनके बयान थी और शैली थी कि वो खुद कृषि मंत्री है, राजस्थान में इसको 5 साल तक आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि उनके बयानों के बाद एक राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि राजस्थान में उनके अगर इस्तीफे नहीं दिए गए तो हो सकता है विधानसभा हो या फिर सड़क हो, वहाँ पर एक बार फिर से विपक्ष कहीं ना कहीं प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। कुलदीप, जिस तरह से 2014 और 2019 के अगर मुकाबले की
बात करें, अब की बार बीजेपी को राजस्थान में भी काफी नुकसान यहां पर उठाना पड़ा, उम्मीद के अनुसार जो परिणाम बिल्कुल उलट यहां पर देखने को मिले। वहीं जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा की बात करें, क्योंकि जैसा आपने बताया इस्तीफे की उन्होंने बात कही थी कि अगर बीजेपी का प्रदर्शन खासा अच्छा नहीं रहेगा तो इस्तीफा देंगे, और इसी को लेकर अब कांग्रेस जो है चुटकी भी काफी लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से देखें, अभी बीते दिन ही राजस्थान में बीजेपी की तरफ से बैठक की गई थी और जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा उसको लेकर समीक्षा की गई, आकलन किया गया, उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा का यह बयान सामने आना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तो किस तरह से उनके इस बयान को देखें और अब आगे राजस्थान में समीकरण किस तरह से बनते हुए? देखिए, राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी हार की समीक्षा करने में दो दिन व्यस्त रही, जहां पहले सात और उसके बाद में कुछ बची हुई सीटों पर मंथन किया गया था। हालांकि जो प्रत्याशी वहां पहुंचे थे उनसे ये पूछा गया था कि आखिरकार हार की वजह क्या रही है, उन पर लेकर तमाम जो प्रत्याशी रहे हैं उनसे फीडबैक लिया गया, जिला अध्यक्ष को बुलाया गया, संगठनात्मक चर्चा की गई, मुख्यमंत्री खुद इस बैठक से जुड़ाव रखे, सीपी जोशी इस बैठक को ले रहे थे, और जब हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा तो अब सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ग्यारह माना जा रहा है, तो यही जन सभी को सता रहा है पार्टी और संगठन में कि जो 11 सीटें हैं वहां पर अगर पार्टी चुनाव हारी है तो अब किसका प्रमोशन होगा और किसका डिमोशन होगा। लेकिन अभी सरकार की ओर से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि खुद केंद्र सरकार अपनी सरकार को बनाने में और विस्तार करने में व्यस्त है, तो दूसरी ओर राज्य में भी अब जल्द ही बजट पेश होना है। बजट से पहले मुख्यमंत्री किसी तरीके का फैसला पार्टी संगठन के विपक्ष में नहीं लेना चाहते, ताकि नीचरघाट जिसको हम कहते हैं कि राजस्थान में इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का जो बड़ा बिल्कुल, यानी किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की बात से अब मुकरने को लेकर भी सियासत पूरी तरह से राजस्थान में गर्मा गई है। कांग्रेस इस मसले पर पूरी तरह से चुटकी लेती हुई यहां पर नजर आ रही है। हालांकि आगे किस तरह से समीकरण बनते हैं, क्योंकि आगे उपचुनाव भी है राजस्थान में सीटों पर, ऐसे में किस तरह से समीकरण बनते हैं उस पर सभी की निगाहें। कुलदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही ललितपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष पर दबंगई का आरोप लगा है। कैलाश कुशवाहा पर दबंगई के आरोप लगे हैं, कुशवाहा और उनके बेटों पर दबंगई का आरोप, एक परिवार की आरोपियों ने की पिटाई, महिला को भी दबंगों ने जमकर पीटा। तो ये बड़ी खबर आपको ललितपुर से बता रहे हैं, जहां बीएसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष पर दबंगई का आरोप लगा है। कैलाश कुशवाहा पर दबंगई के आरोप लगे हैं, कुशवाहा और उनके बेटों पर दबंगई का यहां पर आरोप लगा है। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ आरोपियों ने, यानी बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और उनके बेटों ने मारपीट की है, उनकी पिटाई की है, आरोपियों ने की पिटाई और महिला को भी यहां पर दबंगों ने जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने थाने में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, शिकायत के घंटों बाद भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, यानी बसपा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। खबर रायबरेली से है, जहां दबंगों की दबंगई खुलेआम देखने को मिल रही है। बता दें कि रायबरेली के हसनपुर गांव के रहने वाले कुछ दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर एक्शन लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क में नहाने गए एक बैंक मैनेजर की वाटर साइकिलिंग करते समय मौत हो गई, जिसके बाद मैनेजर के साथ आए दोस्तों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दोस्तों और परिवार का इस दौरान रो रोकर बुरा हाल है। परिवार की तहरीर पर पार्क के मालिक और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन यहां पर दिया गया है।
बहराइच से बड़ी खबर आपको बता दें, वीआईपी कल्चर का शिकार हुआ है नायब तहसीलदार। तो ये बड़ी खबर बहराइच से, जहां एक नायब तहसीलदार वीआईपी कल्चर का शिकार हुआ है। इस दौरान नायब तहसीलदार प्राइवेट गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगाकर घूम रहा था। पुलिस ने इस दौरान उसका 25,000 का चालान कर दिया। तो बहराइच से खबर, जहां वीआईपी कल्चर का शिकार नायब तहसीलदार हुआ है। तो वीआईपी कल्चर का शिकार यहां पर नायब तहसीलदार हुआ है। अपनी गाड़ी पर वो लाल और नीली बत्ती लगाकर घूम रहा था, जिसके बाद पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते एक बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगते ही आसपास पड़ोस के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मोहल्लेवासियों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि यह पूरा मामला कोतवाली नगर के राइन नगर दरियापुर स्थित जुबैद मंजिल का है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं अब बात मौसम की मार की कर लेते हैं। लखनऊ में पारा जो है 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पूरे यूपी में गर्मी का कहर बरप रहा है। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश में लू के चलते लोगों की तबीयत खराब हो रही है। तो 18 जून तक हीट वेव का सितम कुछ इसी तरह बरकरार रहेगा। मौसम विभाग पहले ही इस चीज का अलर्ट जारी कर चुका है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 47.6 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच गया है। झांसी में 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान, आगरा में 46.9 और कानपुर वाराणसी में 46.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। तो राजस्थान में भी गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी का सितम कुछ इस कदर है कि अब ये गर्मी जानलेवा बन चुकी है। सिर्फ यूपी की बात करूं तो यूपी में अब तक गर्मी की वजह से 70 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर भारत की बात करें तो गर्मी की वजह से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो राजस्थान में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान से लेकर यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सभी जगह गर्मी कहर बरसा रही है। वहीं संसद के बजट सत्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 24 जून से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 24 जून से 3 जुलाई तक यह सत्र चलेगा। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार और जंग लगातार जारी है। इस दौरान एनसीपी नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया। संजय राउत ने साफ तौर पर कहा कि टीडीपी सांसद हमारे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने साफ तौर पर अपना मत स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ नजर आएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर में हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर में हाई लेवल मीटिंग करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य प्रगति की वो इस दौरान समीक्षा करेंगे। अमरनाथ यात्रा मार्ग को लेकर भी यहां पर चर्चा की जाएगी, उसकी जानकारी हासिल करेंगे। वहीं लद्दाख में हो रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की ये पहली बैठक
होने जा रही है, यानी नई सरकार मोदी 3.0 के आने के बाद ये पहली बार होगा जब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर में किस तरह से प्रगति में कार्य चल रहे हैं, राजमार्ग के जो काम है वो किस तरह से चल रहे हैं, उसको लेकर समीक्षा बैठक नितिन गडकरी करेंगे। तो अमरनाथ यात्रा मार्ग को लेकर भी यहां पर बातचीत की जाएगी, अधिकारियों से जानकारी हासिल की जाएगी। वहीं चंदौली में बड़ा हादसा हो गया, जहां हाईवे पर खड़ा ट्रक में श्रद्धालुओं से भरी बस ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं टक्कर की वजह से लगभग एक दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि ये बस झारखंड से केदारनाथ धाम की ओर जा रही थी, जिस दौरान ये हादसे का शिकार हो गई। तो श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से, ये वही बस है जिसमें जो हादसे का शिकार हुई है। घायलों को अस्पताल में हालांकि भर्ती कराया गया है। अभी हमारे इमरजेंसी में 15-16 लोग आए हैं, पता चला है कि बस लड़ गई है रोड पे, जिसमें से 2-3 लोगों की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। उनको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भर्ती करके इलाज करेंगे या BHU रिफर करेंगे, बाकी लोगों को ड्रेसिंग कर करके और इलाज करके छोड़। वहीं अमेठी में जहां एक और भीषण गर्मी से किसान परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी नलकूप भी सालों से बंद पड़े हैं। ऐसे में सरकारी नलकूप चलवाने को लेकर स्थानीय किसान लामबंद हुए, जहां किसानों का आरोप है कि पिछले 4 सालों से सरकारी राजकीय नलकूप नहीं चले हैं और इसकी शिकायत करके किसान भी परेशान हो चुके हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकारी नलकूप का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, सिर्फ कागजों पर ही सरकारी नलकूप चल रहे हैं। समस्या ये है कि कटारी ग्राम सभा के अंदर स्थित 22 MG ट्यूबवेल 4-5 सालों से बंद पड़ी। यहाँ आर बगल के किसानों को जब सींचने की आवश्यकता होती है तब वो उनको बंद पड़ी मिलती है ये ट्यूबवेल। इतनी गर्मी में जानवर भी पानी नहीं पी सकते, और जब अधिकारियों से शिकायत की जाए तो कुछ सुनते नहीं, ना ट्यूबवेल में कहा तो स्टार्टर है। एक बार हम चलाने गए, धाक से बोली भैया हम तो डर करके भाग गए, तो उसमें से आग निकलने लगी। अब बताओ उसको कैसे चलाया भैया, अगर वो कभी 1-2 दिन के लिए बनी भी उसको चलाया जाए तो ना उसमें स्टार्टर है ना कुछ है। वहीं हमीरपुर में रविवार रात सरीला थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी के पास दुकानों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो हमीरपुर से खबर है जहां पुलिस चौकी के पास दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। देर रात का ये पूरा मामला, आग इतनी भीषण थी कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। तो हमीरपुर का ये पूरा मामला जहां पुलिस चौकी के पास दुकानों में भीषण आग लग गई, देर रात ये आग लगी, जिसके बाद आग इतनी भीषण थी कि तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।